मैं मुख्यतः क्लास हुआ बांसवाड़ा से, ये एसपी एरिया से। मैं नेशनल प्लेयर खिलाड़ी हूँ। जब भी मेरा कट ऑफ जब रिजल्ट आया तब मेरा दो गुना में मैं पास था, और रिजल्ट आने के बाद मेरा ना तो प्रोविजनल में ना ना अलग पात्र में ना ना किसी सूची में नाम नहीं। मैं इसमें यहाँ एप्लीकेशन देने आया था आयोग को, तो जल्द से जल्द उन खिलाड़ियों को भर्ती की जाए। और पहले भी मिले थे क्या? पहले भी मिला था। पहले क्या बोला? पहले नहीं आया, अभी पहली बार आया हूँ। हमसे ये एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन में साइन करा के दो तीन दिन में हमको सूचना मिल जाएगी। और नेशनल प्लेयर आज मेरा नाम मुकेश चंद्र कलाचवा है, और जी टी आई भर्ती है मेरी 40-45 बाध्यता लगने के कारण हमारे टी एस सी के सारे विद्यार्थी ना तो पास हो रहे हैं ना कुछ नहीं हो रहा वहाँ से। और नेता लोगों को हम ये कह सकते हैं ना तो कोई सुन रहा है नहीं, बस आज करा रहे कल करा रहे आज करा रहे कल करा रहे ये जवाब देते रहते हैं। हमारी ये मांग है कि हमारे टी एस सी में सबसे पिछड़ा वर्ग रहता है, और हमारे 40-35 बाध्यता नहीं हटने के कारण हम नौकरी से नहीं लग सकते। हमारी यही मांग है कि हमारे 40% और 35% बाध्यता हटनी चाहिए। आज कर्मचारी चयन बोर्ड में जो पूरी युवा शक्ति पहुंची है, सीएचओ की भर्ती कराई थी कर्मचारी चयन बोर्ड ने, करीबन 8-9 महीने उस भर्ती को हो गए हैं, और अभी तक भी उस भर्ती पे कोई भी प्रक्रिया कर्मचारी चयन बोर्ड ने नहीं करी है। और ये राजस्थान सरकार लगातार कहती है कि हम युवाओं के कार्य कर रहे हैं, युवाओं के हितैषी है, युवाओं की मांगों को सुन रहे हैं, लेकिन लगातार दबाव बनाने के बावजूद भी ना तो अशोक गहलोत जी ध्यान दे रहे हैं, ना कर्मचारी चयन बोर्ड ध्यान दे रहा है। आज कर्मचारी चयन बोर्ड के नए चेयरमैन को भी बने हुए काफी समय बीत गया है, लेकिन अभी भी युवाओं की मांगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पूरी युवा शक्ति मांग कर रही है कि सीएचओ भर्ती का फैसला आचार संहिता से पहले करिए, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है, और आचार संहिता लग गई तो इन बेरोजगारों की भर्ती फंस जाएगी। पीटीआई के 80 छात्र हैं जो आज एक महीने से कर्मचारी चयन बोर्ड की यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी 80 छात्रों की सूची एक जारी होनी है जिनको कर्मचारी चयन बोर्ड जारी नहीं कर पा रहा। और जितने भी रिजल्ट जारी हुए हैं, जितने भी परिणाम आए हैं अब तक, सब परिणामों में खामियां हैं, चाहे साइंस मैथ का परिणाम हो, चाहे हिंदी का परिणाम हो, चाहे L1 का परिणाम हो, सब परिणामों में कोई ना कोई कमी रही है। और बेरोजगारों की तमाम मांगों को लेके हम लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड आते हैं और प्रयास करते हैं कि युवाओं के काम हो। मैं अशोक गहलोत सरकार से कहना चाहता हूँ, जो आप सपना देख रहे हो सरकार रिपीट कराने का, अगर युवाओं के कार्य नहीं हुए तो आप ये सपना देखना बंद करो, क्योंकि आप कहते हो बार बार कि मैं युवा हितैषी हूँ। युवा तो दर दर की ठोकरें खा रहा है गहलोत साहब, अब काहे के युवा हितैषी हो? ये नकलीपन ये दोहरापन आप बंद करिए। अगर युवा हितैषी है तो युवाओं की एक भी भर्ती आचार संहिता में नहीं फंसनी चाहिए, युवाओं की किसी भी भर्ती की ज्वाइनिंग आचार संहिता में नहीं फंसनी चाहिए। और जो युवा नई भर्तियों की मांग कर रहे हैं उनके यहाँ विज्ञप्ति जारी कराओ, जिससे इन तमाम युवाओं को न्याय मिल सके, और ये युवा तभी जाके आपके ऊपर भरोसा करेंगे जब आप इनके कार्य करोगे। अगर इनके कार्य नहीं होते हैं तो आपको ये राजस्थान का युवा वोट की चोट करेगा, और आप तो सपना देख रहे हो सरकार रिपीट कराने का, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि सीएचओ का 19 फरवरी को पेपर हुआ था, उससे पहले ही पेपर आउट हो गया था, उसको लेकर। देखो ऐसा है, पेपर लीक हुआ है, उसकी जांच करने के लिए राजस्थान सरकार के पास में पूरी संस्था है, पूरी मशीनरी है, पुलिस फोर्स है, SOG है, सारी संस्था इनके पास है। अगर इन पे 9 महीने में एक भर्ती की जांच नहीं हो पाती है तो बेरोजगारों का क्या कसूर है? आप उस भर्ती की जांच करके, मैं कह रहा हूँ उस भर्ती का फैसला लीजिए। आप तो कोई फैसला ही नहीं लेना चाहते, आपने तो भर्ती को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आप युवा के साथ में अन्याय कर रहे हो, क्योंकि युवा का शोषण हो रहा है, क्योंकि युवा कोई और भर्ती की तैयारी नहीं कर पा रहा है। तो आप फैसला लीजिए और उस भर्ती पे तुरंत एक्शन लीजिए और उस भर्ती को आप पूरा करवाइए। अगर इसी प्रकार से भर्ती अटकी रही तो खिलवाड़ है, और युवा खिलवाड़ राजस्थान सरकार को जारी करो, पहले फैसला लेना होगा। सीएचओ का पेपर 19 फरवरी को हुआ था, आज 8 महीने बीत चुके हैं और सभी युवा इससे परेशान है, ना कोई तैयारी हो पा रही है, नहीं आगे कोई डिसीजन ले पा रहे हैं पढ़ाई को लेके। और अधीनस्थ बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं आलोक राज जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आज बुधवार को रिजल्ट जारी होना है, तो आज आजकल हम वेट करते हैं, या तो
रिजल्ट जारी करो या कोई भी हमें साफ कह दो कि हम 5 दिन में करेंगे, 7 दिन में करेंगे, स्पष्ट को। हम लास्ट बार भी आए थे तो उन्होंने ये कहा कि क्या नाम से अभी तक हमारे पास में कोई सूचना नहीं है, सीएचओ की कोई अपडेट नहीं है, तो क्यों अपडेट नहीं है, मीटिंग करो और सीएचओ रिजल्ट आजकल के अंदर ही जारी करो। पीटी भर्ती से संबंधित हैं, पीटी के सभी बच्चों के जिला मंडल हो चुके हैं, उनको नियुक्ति दी जा रही है, लेकिन हम 80 बच्चों को पीछे रखा है। हमें कारण भी नहीं बता रहे किस कारण हमें पीछे रखा है, और हम कैटेगरी ओबीसी से हमें किस कारण पीछे रखा यही नहीं बता रहे। और एक साल हो चुका है पेपर को, 25 सितंबर को पिछले साल पेपर हुआ था, परसों हमने यहाँ केक काट कर वो सालगिरह मना ली पेपर की, पर ये जारी नहीं कर रहे। जिससे मुलाकात हुई है वो बोल रहे हैं काम चल रहा है, कर्मचारी कम है, अभी रीट में काम में लग रहे हैं, आपका काम भी देख, कभी बोल रहे हैं सोमवार को जाएगा, कभी बोल रहे हैं बुधवार को हैं। हम यहाँ पर 80 जने हैं, 80 जनों को वहाँ से जिला मंडल से नियुक्त किया गया है, क्यों किया गया ये नहीं बता रहे। हम काफी बार 4 महीने हो गए इसके लिए लगातार अधिकारियों से मंत्रियों से सबसे मिल चुके हैं, सब ये बोलते हैं कि आप जल्दी जल्दी करेंगे, ये जल्द आखिर कब तक आएगा, इसमें जल्दी फैसला लेंगे, जल्द आखिर कब तक आएगा, हमें रिजल्ट चाहिए। और चिकित्सा मंत्री के पास जाते हैं, चिकित्सा मंत्री बोर्ड का नाम लेता है, बोर्ड वाले के पास जाते हैं कि सरकार करेगी, आखिर करेगा कौन इसका, कुछ तो करे। अरे इनसे नहीं होता, ये चयन बोर्ड नाकाम है भर्ती को पूरी कराने में, सरकार नाकाम है, तो साफ साफ हाथ खड़े कर दे कि हमारे बस की बात नहीं है, युवा अपना भविष्य खुद देखे, तो हम भी फिर भी हम अपने आप खुद देखेंगे, नहीं बस की बात हो तो क्यों फिर सरकार बना के रखें, क्यों बोर्ड वाले को इनको रखा है, नहीं बस की बात हो तो हाथ खड़े कर दो, हमारे बस की बात नहीं है इस वैकेंसी को पूरा करवाना, नहीं बस की बात है तो जल्द से जल्द इसका रिजल्ट जारी करें। 8 महीने पूरा हो गया लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सीएचओ भर्ती को 8 महीने पूरे हो गए लेकिन अभी तक इस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया, ना ही उन्होंने ये बोला कि ये भर्ती क्लियर कब होगी, कब नहीं होगी, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद बेरोजगार एक दूसरे कुछ नहीं होगा, उसके बाद में फिर सरकार कहेगी नई सरकार आने के बाद में कि हम प्रक्रिया दीन है भर्ती, उसको 1 साल और लगा देंगे, उसके बाद में तब तक करें, इनको क्या पता बेरोजगारों की मांग होगा, वो कैसे कैसे पढ़ाई करता है, कैसे कैसे अपना जयपुर रहता है, कोचिंग करता है। मैं सवाई माधोपुर से आया हूँ और काफी तैयारी की थी और आगे भी करेंगे, लेकिन इससे नकारात्मक जवाब आता है कि भर्ती क्लियर नहीं हो रही है। और आज तक यूपी में 10 साल बाद आई थी ये भर्ती, 2019 में आई थी पहले, उसके बाद में अब 3-4 साल में तो पहले आई है, आपके बाद में फिर पता नहीं सरकार लास्ट में निकाले कब निकाले, और धीरे धीरे कर रहा ना, यूपी में भर्ती होती है 2 घंटे के बाद में तुरंत ही भर्ती को कैंसिल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर 2-2 साल हो जाते हैं, किसी भी भर्ती को रेस्पॉन्स क्लियर नहीं देते, अटकाना चाहते। 14-15 भर्ती हुई है, किसी भी भर्ती रास्ता सरकार के द्वारा सफल पूर्वक नहीं हुई है, एवं फिर बाद में कहते 5वां गोला भरा लेंगे आरपीएससी की तरह। 5वां गोला से क्या होगा, 5वां गोला क्या बच्चों का टाइम खाएगा, और उससे चोरी यही तो करवाते हैं, किस बच्चे की औकात जो पेपर को लीक करने के बाद यदि कोई भी भर्ती को वो लीक कर जाए, इन्हीं की गलती से बेरोजगारों को भुगतना पड़ता है, और लास्ट में कहते हैं कि बेरोजगारों की गलती थी, पेपर लीक करा दिया, ये करा दिया। सर इसमें 8 महीने हुए, जब 1 महीना होने के बाद में चक्कर काटना चालू कर दिया कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, फिर बोलते हैं कि रिजल्ट आएगा, थोड़ा रुको, एसओजी जांच कर रही है, ये हो रहा है, एसओजी के बाद में फिर सुनते हैं कि जांच आई है, एसओजी ने दे दी, फिर वो चिकित्सा मंत्री जी प्रसादी लाल मीणा जी से बोलते, वो कहते हैं मेरी तरफ से क्लियर है, आरएसएस में वोट जाओ, आरएसएस में वोट चाहता कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, क्या होता है इसे, इतने दिन हो गए सर, मेरा कहने का मेरी मांग यही है कि सीएचओ भर्ती का रिजल्ट निकाले, तुरंत पोस्टिंग दे और जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया और न्याय दो सीएचओ के रिजल्ट के जारी करने के लिए। अगर सीएचओ पेपर लीक हुआ है तो उसका भी आगे डिसीजन दे, अगर लीक नहीं हुआ तो उसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे, क्योंकि हम सबका भविष्य इस पे दाव पे लगा हुआ है, क्योंकि कुछ होते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं आगे तैयारी करें, काफी बच्चे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीएचओ पे ही रिजल्ट है जारी किए हुए कि हाँ चलो ठीक है इसमें हमारा हो जाएगा, तो सभी स्टूडेंटों के भविष्य को सोचते हुए इसका जल्दी से जल्दी कोई अच्छा रिजल्ट जारी करो, हम बस हमारी इतनी सी दुआ है कि सीएचओ रिजल्ट जल्दी से जल्दी आचार संहिता लगने से पहले इसका कोई रेस्पॉन्स आ जाए। कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है,
आज कांग्रेस सरकार के राज के अंदर पूरे युवा दर दर की ठोकरे खाने भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरे खा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं दूंगा दूंगा फलाना दूंगा ढीखड़ा दूंगा, क्या दिया अब तक उन्होंने? आज 8 महीने हो गए सीएचओ का रिजल्ट तक जारी नहीं कर पाए, वो आंसर की तक जारी नहीं कर पाए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, आखिर मुझ आती क्या है? कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत जी बोलते हैं, मैं वापस रिपीट करूंगा, सरकार ऐसे कैसे करोगे? युवा शक्ति को आप अपने पक्ष में रखोगे, उनको खुश करोगे, रिजल्ट निकालो, युवा शक्ति आपके साथ में रहेगी ना? आपने रिजल्ट निकाले ना, और कुछ 8 महीने हो गए अब तक क्यों डिसीजन नहीं ले पा रही है सरकार? ना कोई कर्मचारी बोर्ड ले पा रहा है, 8 महीने हो गए, एसओजी की रिपोर्ट आ गई है, 15-16 लड़कों के पास गया है पेपर, उनको डिबार किया जाए। जो पढ़ने वाले हैं हम 5-5 साल से घर बार छोड़ छाड़ के किराए से मकान लेके पढ़ते हैं, हम गरीब लोग हैं, कैसे कैसे टाइम पास करते हैं? 8-8 महीने हो गए हैं, साढ़े साल पहले तो नौकरी अपने चिकित्सा विभाग में कोई नौकरी नहीं आती है, रिटर्न एग्जाम होता ही नहीं है, सब परसेंटेज बेस पे सब चोर बैंक अपने पीछे पीछे लग जाते हैं, संविधा के ऊपर लग जाते हैं जानकारी के थ्रू, हम जैसे बेरोजगार बेचारे गरीब लोग बैठे रह जाते हैं। रिटर्न एग्जाम होता है, तैयारी कर करा के देते हैं एग्जाम, सब घर बार छोड़ छाड़ के, और उसका फिर रिजल्ट अटका देते हैं। तो मेरे तो ये एक ही बात कहना चाहता हूँ, सो बातों की एक ही बात है, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप रिजल्ट जारी करें और युवा शक्ति को खुश करें। बस मैं इतना ही कहूँगा, सीएचओ का रिजल्ट जारी करो आप जल्द से जल्द।